प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12th आर्ट संस्कृत के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपने संधि का जो तीसरा टॉपिक है व्यंजन संधि का, वो है जसत्व। प्रिय विद्यार्थियों, जसत्व जो संधि है इसका सूत्र है जलाम जसवंत। अब जल क्या है? जल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण, और जस इस जल की जगह जस हो जाएगा, यानी जल में होगा प्रत्येक वर्ग का कै वर्ग का तीसरा गय घय गण। ऐसे ही जस हो जाएगा तो जस की जगह जस का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, जैसे कै वर्ग का गय, छ वर्ग का जय, टय वर्ग का डय, तय वर्ग का डय, पय वर्ग का बय, ये वर्ण हो जाएंगे। अब संधि करेंगे तो इसमें जैसे आपको बताया जाएगा, संधि करेंगे जैसे संधि विच्छेद करेंगे, संधि करेंगे जैसे अपने पास है सुप, ये संधि है, जैसे आपको होता है सुप प्लस अंत, ये है। अब ये पै वर्ग है, पै वर्ग में पै वर्ग, ये पै वर्ग है, पै वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बे। तो क्या बन गया? सुबंत। क्या बन गया? सुबंत, सुबंत, ये बना। ऐसे ही अन्य उदाहरण है जैसे जगदीश, जैसे वागीश हैं, जैसे अजंत, और अजंत है, दिगंबर है, दिगंबर है, हैं जैसे दिग्गजय, इत्यादि जो शब्द हैं ये आपके इसी में काम आते हैं। आप ध्यान रखें एक चीज़ में, जल प्रत्याहार की जगह जस प्रत्याहार होगा, अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। विच्छेद करेंगे तो तीसरा का चौथा पाँचवा या तीसरा हो सकता है, इनको आप नियमानुसार आप ध्यान दे लें। जैसे पै है तो पै वर्ग का पहला वर्ण हो गया, पै, पै का क्या हो गया? ब। इस प्रकार से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसमें जल प्रत्याहार के अंदर वर्ण बताए, सॉरी भाई, जल प्रत्याहार के अंदर वर्ण होते हैं पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण, सॉरी, ये ध्यान दे ले भाई, जल प्रत्याहार के अंदर वर्ण होते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा, मैंने बताया था आपको, ये जल प्रत्याहार के अंदर वर्ण होते हैं जिनका हो जाएगा जस, जस का मतलब उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, जो इन संधि शब्दों में, इन विच्छेद शब्दों में आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। थैंक यू, आज का वीडियो ये रहेगा, थैंक यू।